मुंबई के अंधेरी पश्चिम भवंस कॉलेज में हर साल की तरह इस साल भी भवंस कल्चरल को सेलिब्रेट किया गया। तो आप देख सकते हैं इसकी एक झलक। सालों से चला आ रहा है। इस कार्यक्रम में क्लासिक और कथक को बहुत महत्व देते हैं। इस मौके पर बॉलीवुड की हर्षिता भट्ट भी मौजूद थी, जिन्होंने अब तक छोटे और बड़े पर्दों पर काम किया है, लेकिन आप इनका यह रूप देख के समझ ही गए होंगे। हर्षिता को इस तरह का कल्चर बहुत पसंद है, तो आइए जानते हैं कि खुद हर्षिता का इस बारे में क्या कहना है। इसलिए मैं तो 7 साल की उम्र से कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि शायद ऐसा मौका मुझे इस बार पहली बार मिला इतने सालों बाद कि मैं इतने परफॉर्मेंसेस दे पाऊँ। आई वॉज ऑलवेज बिजी वर्किंग एंड मैं इनफैक्ट अभी भी अफसोस करती हूँ कि कोई भी फिल्म में मेरा ऐसा कोई गाना नहीं है। ऑफकोर्स दे हैव सीन मी डांस, बट इट्स जस्ट दैट मैं चाहूँगी कि ऐसा ही कोई एक डांस भी हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। सिंस आई एम ट्रेन्ड इन कथक फॉर एवर नाउ आई थिंक, एंड बीच बीच में जब रियाज छूट जाता है 1-2 साल बिकॉज ऑफ वर्क, बट दैट नेवर लीव्स मी एंड मैं ये हमेशा मरते दम तक रहूंगी। टिल हेल्थ एंड गॉड परमिट्स आई एम गोइंग टू डांस। एक्चुअली इतने बड़े सितारा देवी जी जो हैं लेजेंडरी हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट हर, दिस पंडित बिरजू महाराज जी, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हो गए हमारे, शंभू महाराज जी, अच्छन महाराज जी, बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। हम लोग तो धूल भी नहीं है उनके सामने। दे आर ऑल सो ब्यूटिफुली ट्रेन इन कथक, वो गुरु हैं हमारे सारे। एंड सितारा देवी बहुत ही हमारी प्यारी, सितारा देवी जी हमारे ना कि गुरु हैं, बट उनकी बेटी जो है जयंती माला जी, वो हम उनसे सीखते हैं। और आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड दैट मैं इतने अच्छे अच्छे लेजेंड्स के बीच में, गुरुओं के बीच में सीखी हूँ, थोड़ा थोड़ा चाहे सबसे, मगर मैं बहुत हमेशा आभारी रहूँगी। और ये 24 जी महोत्सव में ये 16वां साल है मेरा, दूसरा होगा। मैं चाहूँगी कि हर साल मैं कर सकूँ। इफ़ आई एम नॉट बिजी शूटिंग आई शुड डू दिस मोर ऑफन।